हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सारा फाउंडेशन गाइस, इफ यू हैव एनी नीड फॉर द पर्सनल ट्यूटर देन यू शुड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। गाइस, ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने आईसीएसई क्लास एंड बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यार उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वो यार चाहते हैं कि यार उनके लिए कोई एक पर्सनल टीचर हो जो उनके सारे डाउट को क्लियर कर दे। अगर यार तुमको ऐसे नीड है तो डेफिनेटली तुम इस वीडियो को तुम क्या पूरा देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तुमको क्या है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो मैं तुमको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अगर तुमको इन सब्जेक्ट्स में से डाउट है तो डेफिनेटली तुम इस सब्जेक्ट्स के लिए हमारे साथ क्या है एनरोल कर सकते हो और वो सारे सब्जेक्ट तुम क्या है मेरे द्वारा पढ़ सकते हो। तुमको हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक तुमको बताई जाएगी, कोई भी तुम्हारा डाउट होगा वो तुमको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखो, जो सब्जेक्ट मैं तुमको जो टीच कर सकता हूँ उसकी मैं बात करता हूँ। देखो, मैं तुमको सिविक्स कवर कर सकता हूँ अच्छे से, तुम्हारे लिए फिजिक्स कवर कर सकता हूँ, केमिस्ट्री कवर कर सकता हूँ और तुम्हारा मैथ्स पढ़ सकता हूँ। अगर तुम्हारा सिविक्स में, तुम्हारा फिजिक्स में और तुम्हारा मैथ्स में, तुम्हारा केमिस्ट्री में यहाँ पे कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम अगर इनरोल करना चाहो तो यार तुम हमारे साथ इनरोल कर सकते हो फॉर द पर्सनल ट्यूटर। तो यार ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तुम ध्यान से नोट कर लो, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार तुम एनरोल कैसे करोगे अगर तुमको नीड है। तो देखो, तुम एनरोल करने के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 8318558856। तो यार यही एक हमारा नंबर है, इसके अलावा कोई भी हमारा कांटेक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ एक यही नंबर जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर हमारा नहीं है। नंबर फिर से देख लो, 8318558856। तो इस नंबर पर तुम कांटेक्ट करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। अब देखो, एक चीज़ तुमको ये ध्यान रखनी है तो कि तुमको मालूम है कि यार अगर मैं ऐसा सिंगल टीचर काम कर रहा हूँ तो यार ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल होना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यार इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को कवर कर सकूँ। तो यार यहाँ पर जो सीट्स हैं इसलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। तो जो बच्चा सबसे पहले अपनी सीट को बुक कर लेगा, जो भी बच्चा सबसे पहले अपनी सीट को बुक कर लेगा तो उसको सबसे पहले क्लास उसकी क्या स्टार्ट हो जाएंगी। और जो बचे हुए बच्चे होंगे यार, उनको मजबूरी है मेरी, मुझको उनको लिए क्या ना बोलना पड़ेगा। तो अगर तुम इनरोल करना चाहते हो, तुमको नीड है, तो यार तुम्हारे पास लिमिटेड सीट का ऑप्शन है, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। तो तुम अगर सबसे पहले बुक करते हो तो यार सबसे पहले तुम्हारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लास्ट में बुक करेंगे यार उनको सॉरी मुझको कहना पड़ेगा, बिकॉज मैं यार एक सिंगल पर्सन कितनी चीज कितने स्टूडेंट को कवर कर पाऊंगा। तो यार मैं सारे बच्चों के, तो बहुत सारे अगर बच्चे होते तो यार मैं सबके डाउट नहीं क्लियर कर पाऊंगा, उनके लिए तो क्या है कोर्स होता है, तो वो बच्चे क्या कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बट अगर कुछ बच्चे हैं जिनको डाउट है, जिनको कुछ नीड है, तो यार वो यहाँ पर क्या है इस पर्सनल ट्यूटर के ऑप्शन पर आकर क्या है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर यार तुम कोर्स वगैरह की बाय करने का सोच रहे हो तो यार कोर्स का हमारा अलग पैटर्न है, वो काफ़ी कम कॉस्ट में भी होता है और काफ़ी कम उसके प्राइसेस भी होते हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी कि लिमिटेड सीट के लिए तुमको क्या है सबसे पहले बुक करना है और सबसे पहले तुम्हारी क्लासेस क्या स्टार्ट हो जाएंगी। अब यार बात आती है भाई टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की। अगर मैं टाइमिंग की तुम्हारी बात करूँ तो देखो, जो भी बच्चे एनरोल होते जाएंगे उनको एग्ज़ाम के पहले, जो जिस डेट को उनका एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल उनका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री का है या मैथ्स का या सिविक्स का है, जिस बच्चे का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के पहले उसको क्या टाइमिंग बता दी जाएगी कि भाई तुम्हारा एग्ज़ाम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी मैं बात करूँ, तुम्हारा एग्ज़ाम क्या है 20 मार्च को है फॉर एग्ज़ाम्पल, या तुम्हारा एग्ज़ाम क्या है 10 मार्च को है, तो 10 मार्च के पहले जितनी क्लासेस तुम्हारी हो पाएंगी वो तुमको तुम्हारी क्लासेस क्या प्रोवाइड कर दी जाएंगी तुमको। अब यार यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसके लिए फ़ीस क्या रहने वाली है। अगर मैं तुमसे बात करूँ फीस की, तो देखो इसमें क्या है, अगर तुम्हारी डाउट प्रॉब्लम है तो देखो, किसी बच्चे का डाउट क्या है सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, किसी बच्चे का डाउट क्या है हो सकता है 6 घंटे में पूरा हो, किसी बच्चे का डाउट हो सकता है क्या है 12 घंटे में पूरा हो। तो ये डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पर कि स्टूडेंट किस टाइप का है। यार तुम्हारा डाउट अगर 3 घंटे में पूरा होता है तो यार तुम 750 पे करके अपना एनरोल कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि भाई तुम्हारे डाउट बहुत ज़्यादा है, तुमको ज़्यादा टाइम की जरूरत है, तो यार तुम 1500 पे करके एनरोल कर सकते हो। और यार अगर तुम्हारे डाउट बहुत ही ज़्यादा है तो यार तुम 12 आवर का अटेंड करके
3000 पे करके क्या है अच्छे से कर सकते हो। और यार कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट वगैरह नहीं है, जिसको सिर्फ केवल क्या करना है, जिसको केवल कंप्लीट रिवीजन करना है कि सिर्फ वो बच्चा उसको समझा दिया जाए, अगर किसी को कंप्लीट रिवीजन करना है किसी सब्जेक्ट का, तो यार मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, अगर तुमको सिर्फ कंप्लीट रिवीजन करना है तो यार तुमको एक क्या रिवीजन करवाया जा सकता है, उसमें तुम ये मान के चलो यार कम से कम क्या तुमको 15 घंटे का समय तो देना ही होगा, कम से कम यार 15 घंटे का तुमको समय देना होगा एक सब्जेक्ट के लिए, तो तुम्हारा क्या है कंप्लीट रिवीजन भी हो सकता है। और भाई चार्जेस तुमको मैंने बताए दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे चार्जेस रहेंगे, तुम ये चार्जेस देख सकते हो। और अगर मैं तुमसे बात करूँ, अगर तुम 15 आवर वाले के लिए आना चाहते हो, तो यार ये जो तुम्हारा 15 आवर का जो मैंने तुमको ये बताया तुमको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन करना है, तो यार यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 3750। तो यार ये अमाउंट तुमको क्या है पे करना पड़ेगा 3750, इसमें तुम्हारा एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन तुमको करवा दिया जाएगा। और यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुमको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करूँगा। और यार जो बच्चे अपना क्लास अटेंड किए हैं पहले ऑनलाइन क्लासेस को, तो मैं उनको एक चीज़ यही बताना चाहूँगा कि यार तुम एक चीज़ ये और नोटिस कर लो कि तुमको क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाना है। प्लेलिस्ट में तुम्हारे, अगर मैं तुमसे बात करूँ, लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर तुम उन चीज़ों को देखते हो, उन चीज़ों को समझते हो, तुम वहाँ से भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको यार बहुत डाउट रहते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, जिनको एक पर्सनल ट्यूटर की नीड है। तो यार अगर ऐसी नीड है तो यार डेफिनेटली मैं तुमको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर तुमको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर तुम अपनी सारी चीज़ों को कर सकते हो और एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऐसी प्लेटफॉर्म तुमको पहले किसी और जगह तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसा हो रहा है। तो यार तुम अगर करना चाहो, अच्छा स्कोर करना चाहो, तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। और जो क्लासेस होंगी वो यार ऐप पर ली जाएंगी, तो यार तुमको ऐप वगैरह का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जो क्लासेस वगैरह होंगी वो ऐप पर ली जाएंगी और तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और मैं तुमको एंडिंग में यही कहूँगा, बस यार लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना। देखो एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना कि जब तुम एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो, कई बच्चे क्या करते हैं यार एग्ज़ाम में बैठे गए हैं, उनको डर लग रहा है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यार एक चीज़ ये ध्यान रखो, तुम एग्ज़ाम में अगर बैठे हुए हो तो एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो और ये सोचो कि इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर तुम उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लिख सकते हो तो यार तुमको कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग जरूर मिल जाएगी, और वही स्टेप मार्किंग तुम्हारे जो भी पहले मार्क्स आ रहे होते उससे कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने मार्क्स को अगर तुमको इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचो कि यार इससे रिलेटेड मैं क्या लिख सकता हूँ या क्या लिख सकती हूँ। अगर तुम उससे रिलेटेड लिख सकते हो तो तुम डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से कुछ ना कुछ मार्क्स क्या है गेन कर ले जाओगे। और तुम ये खुद सोच के देखो, अगर तुमको मान लीजिए 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और उन 5 क्वेश्चंस के बारे में तुमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो यार ये मान के चलो कि यार तुमको हाफ मार्क्स या तुमको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर तुमको 5 क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलता है तो तुम्हारे 5 मार्क्स फ्री के हो जाते हैं, और 5 मार्क्स तुम्हारा तुमको पता है कि भाई कितना परसेंटेज तुम्हारा बढ़ा देता है। तो इसलिए स्टेप मार्किंग पे जरूर फोकस करना, और तुम्हारा कोई भी डाउट होता है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।